मेरा नाम राजू कुमार शर्मा है और मैं बलभद्रपट्टी गांव से हूं और मुझे प्रचार प्रसार के द्वारा पता लगा कि KYP यहां चलता है एमबीबीएस में, तो आके मैं सितंबर बैच में एडमिशन ले लिया हूं और मैं अच्छे से MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पर काम करना सीख लिया हूं। और ये पढ़ते वक्त मुझे ये लगा कि CIT सही है, CLS में कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और ग्रामर जो ट्रांसलेशन में दिया हुआ है थोड़ा बल्गर है, कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे 10th एसनर आते हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि किस सीक्वेंस से मेंटेन किया हुआ है। इसमें सीक्वेंस रेंडमली डाला हुआ है, सीक्वेंस मेंटेन किया हुआ नहीं है। तो हम सिखाने के व्यू से ये चला रहे हैं संस्था, तो मुझे लगता है कि CLS में ट्रांसलेशन और ग्रामर में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और एक सीक्वेंस मेंटेन किया जाए ताकि बच्चे को और अच्छे से समझ में आ जाए और उनको अच्छा फील हो सके। CIT मुझे अच्छा लगा क्योंकि जितना हम जो सीखने आते हैं कंप्यूटर के विषय आते हैं उसमें बहुत चीज़ दिया होगी कि ऐसे कैसे हम ये करें, कैसे ये करें, होम पर जाएं, इंसर्ट पर जाएं, तो उस सब जानकारी होगी तभी आप CIT वाला कर सकते हैं। कि उसमें जो कॉन्टेक्ट दिया हुआ है और जो 10 क्वेश्चन दिया हुआ है डू इट सेल्फ वाला वो बहुत बेटर है और CLS में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बस यही कहना चाहता हूँ कि अच्छा है, अच्छा लगा मुझे KYP जाकर आकर सब अच्छा लगा, अच्छा से जानकारी मिली, अच्छे से काम करना सीख लिए, लेकिन CLS में थोड़ा सा इम्प्रूव करना जरूरत है जो हम बता दिया हूँ, इम्प्रूव किया जाएगा सब बेटर आएगा।